What a nice mouse. इस तरह का सॉफ्ट माउस मेरे हाथ में लग गया तो मैं सारी रात काम करता रहूंगा. ए माउस हिल क्यों नहीं रहा? दिस माउस मेड इन विच कंट्री यार? सर आपके हाथ में माउस नहीं बल्कि कौशल्या का हाथ है. कौशल्या वेरी सॉरी. एवरीबॉडी लुक एट हियर. मेरी अगली खोज ये है. Hey, excellent. क्यों रे? कंप्यूटर की टांग खींच रहा है. मेरा अपमान किया. आजकल हाथ रखने से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है. इस हाथ में जादू है. ऐसा कौन सा तूने आविष्कार किया? सीधे मॉनिटर. मैं बचपन में कैसा था देख सकते हैं आप. और बुढ़ापे में मैं कैसे लगूंगा वो भी देख सकते हैं. मेरे कमाल को दिखाना. ए साहब के लिए मरंडा लेके आओ. इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में क्या बनूंगा वो भी दिखा दूंगा. आप देखने के लिए तैयार है क्या? कंप्यूटर पर तुम एक्सपर्ट हो. मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ओके. माउस और स्पाउस में क्या फर्क है? क्या फर्क है? माउस कहीं भी जाके घूम सकता है लेकिन स्पाउस चार दीवारी के अंदर ही. व्हाट अ इंटेलिजेंट यू आर क्लेटेड टू मी. इंटेलिजेंट होता नहीं, नहीं आता. देखिए मेरी उलझन को आप ही सुलझा सकते हैं. ये मेरे दोस्त का बेटा है, इससे मेरी बेटी की शादी होने वाली है. बचपन में दोनों की सगाई हो चुकी है. नो, बाल विवाह मैंने कराऊंगा अंदर का. सुनो, 18 साल पहले गायब हो गया था. आप कैसा दिखता है बताओ, और इसे ढूंढ निकालने का काम मेरा है. अरे इस लड़की को ढूंढ कर आप अपनी बेटी की शादी से करवाना चाहते हैं? मतलब आपकी बेटी मस्त चीज होगी? हे तमिल से बात कर, नॉनसेंस. मेरी बेटी कौन है मालूम? शहर की ब्यूटी क्वीन है. दिखने में बहुत कोमल है. अगर एक हाथ पड़ गया ना 32 ही बार आ जाएगी. मानो या ना मानो वो तो हूर है. चल वहाँ चलते हैं. हाँ ठीक है वहीं पे चलेंगे. ओके. हेलो, आपको हिंदी नहीं आती ना? सॉरी, वी डोंट नो दैट लैंग्वेज. तब तो अच्छी बात है. तुम हमारे साथ चलोगी? बोलो ना. व्हाट? अंदर चलना. यू? हेलो, एक एक करके आओ, लेकिन इसी तरह तुम लोग को आना होगा. यही हमारी विनती है. क्या बोलती क्या बोलती है? हम तैयार है. तुम तैयार हो? हम बाहर वेट करेंगे. चलो बाद में इंग्लिश में बात करेंगे. आ जाओ. मैंने इंग्लिश मना किया, तू नहीं मानी. हे, क्या हुआ? वो लोग हिंदी में कुछ गालियां देके जा रहे हैं. अब तो तुम शुद्ध हिंदी बोलती हो लेकिन उनके सामने अकड़ कर अंग्रेजी में बात करती हो. तुम्हें सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया होगा. अब देखो. आओ मैना, तुम्हें भी हिंदी आती या नहीं? आती है मुझे. ये तो गंदी गालियां दे रही है. चलो यार चलते हैं. जल्दी जल्दी, इस छोटे से बक्से के अंदर क्या क्या है? यहाँ क्या कर रहे हैं आप? दूल्हे को ढूंढ रहा था. फिर से आपने दूल्हा ढूंढने का काम शुरू कर दिया. आप चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन वो वापस नहीं आने वाला. इस बकरे की दाढ़ी बढ़ गई है, इसकी हजामत के लिए 500 रुपए दे के आइए. Shut up. Don't insult my salon software. मैं बात पे नहीं काम पर विश्वास करता हूँ. देखो. इस थोपड़े को कमल हासन ही सुंदर बना सकता है. कमल हासन को क्यों बुलाओगे? तुम खुद नहीं कर सकते? सुनो, मॉर्चरी में कभी लावारिस लाश को देखी है? वो कैसी होगी बताओ? ऐसे ही. फिर इसे क्यों दिखा रहा है? इससे आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं? सर आपके गलत फैसले से आपकी बेटी जरूर सुसाइड करने वाली. जाके बचाइए ना. मर्डर करेगी या सुसाइड करेगी अभी पता चल जाएगा. शट अप. मेरे कंप्यूटर की सेटिंग चली गई. अब मैं क्या करूंगा? ऐसी शक्ल दिखाई कि जिंदा आदमी भी सारा मुर्दा हो जाए. तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं हूँ ना. अरे रे, अरे रे, नहीं साहब, अरे साहब, ऐसा काम मत. अरे रे, तोड़ दिया, तोड़ दिया. डैडी, ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है. फिर से आपने इस तरह की गंदी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. चलिए. बिल्कुल अपनी माँ पर गई है. हाय 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 हाय, इंश्योर के बिना इंस्टॉलमेंट में खरीदा. अरे क्या मुंह दिखाऊंगा बैंक वालों को. क्यों कंप्यूटर कंप्यूटर की रट लगा रखी है? यही जानना है ना कि मेरा खोया बेटा कैसा दिखता है? वो मेरी तरह सुंदर दिखता है. ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखेगा. किस लिए ये आर्गुमेंट? सुनिए तो, मेरा जमाई बिल्कुल मेरी तरह सुंदर और सुशील होगा. देखा बेटी, मौका मिलता उसने कहा कि वो बहुत खूबसूरत है. कहने दीजिए ना डैडी. डोंट यू थिंक इट्स टू मच? जब तेरी मम्मी को देखने गया मेरी आई डम्मी थी. इसे ठीक से ना देखने की वजह से आउट ऑफ फोकस में ओके कह दिया. शादी के बाद तो मैं सूरदास बन गया. ये तो मैं भी जानता हूँ. और आपने अपनी सुहागरात अस्पताल में मनाई है. इसे याद दिलाओ. इसमें इतनी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं. मेरा बेटा मेरी तरह सुंदर है. जब वो आएगा तो तुम लोग खुद ही जान जाओगे. लगता आंटी, बचपन से मैं भी यही सुनती आ रही हूँ कि वो आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं आया. आंटी फिलहाल क्या आपको अपना लाडला चाहिए, यही ना? थोड़ी सी मोहलत मुझे दे दीजिए, उसके बाद देखिए मुझे लगाकर मैं आपका लड़का बनकर यहाँ के खड़ा हो जाऊंगा. देखो बेटी, तू मेरा लड़का बनकर आएगा तो तेरे लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी. अरे रे, तुम्हारे परिवार को कुछ ना कुछ ढूंढने की बीमारी है.
आप ढूंढते रहिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस जन्म में मुझे मिलेगा। क्या कहा तूने? डैडी मुझे स्टेशन में ड्रॉप कीजिए, मुझे मद्रास जाना है। दो दिन के बाद जाएंगे बेटी, कल कॉलेज की रीओपनिंग है डैडी, चलिए। बाय अंकल, बाय आंटी। 25 तारीख को यहाँ से जाने वाली सारी फ्लाइट्स में मेरे नाम पे टिकट बुक करके रखो, इसे राजी रखना। हाँ। सुनिए, हम लोग 24 घंटे अपने बेटे के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा आशीर्वाद उसे जरूर पहुँचेगा। जहाँ आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पे है तो मैं खुश रहूंगा माँ। मैं पूजा कर रहा हूँ ना। ये जेल है या फिर कोई मंदिर? इसे मंदिर कहो या फिर जेल। ठीक है ठीक है, मंदिर से बाहर आओ। छे, जेल से बाहर आओ तुम, आज तुम रिहा हो रहे हो। दूसरों के गुनाह को पैसे के लिए कबूल करके अक्सर यहाँ आते हो, इसलिए तुम इस सेंट्रल जेल के लाडले बन गए हो। वैसे तुम्हारी मदद की हम सब लोगों को बहुत जरूरत है, इसीलिए हम सब लोग कुछ बोल नहीं पाते। 10 बार दीवार पिक्चर देखने के बाद उसमें बिग बी का बिल्ला है ना 786, वही 786 नंबर के लिए जीत कर रहा था। तुम काफी खुराफाती हो गए हो मोती। हाँ मोती, दिस इज टू मच, चाबी मुझे दो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अपन यू गया और यू आया, वैसे ये कमरा भी अपन के लिए लकी है, अंदर बहुत सारी चीजें छुपा के रखी है अपने, किसी ने उठा लिया तो क्या करेगा अपन। सलाम भाई, बाहर के चोर को अंदर कह सकते हैं, अंदर के चोर का कहाँ डालोगे। अरे साहब, अपन आपको नहीं बोल रहा है। शिवराज भाई, कहना भूल गया, अपन का कपड़ा लॉन्ड्री में है, उसे लेके रख लेना, अपन आगे ले लेगा। मोती, तुमने इस जेल को लॉज बना दिया। मोती, हा? तुम बाहर जा रहे हो? हाँ बोलिए चाचा। जो दर्द मैं यहाँ झेल रहा हूँ, अगर मेरे बच्चों ने मुझे देख लिया तो वो रो पड़ेंगे। उनको पता है बच्चों से कुछ कहना है क्या? हाँ मोती, बाहर जाने के बाद मेरे बच्चों से मिला तो उनसे कहना कि गलती से उनसे कोई जुर्म हो भी गया तो इस जेल में कभी मत आना। नासिक जेल, पुणे जेल, बायखला जेल और तिहार जेल भी अच्छा है बेटा, कहना इस जेल में मत आना। यहाँ तो मच्छर है, खटमल है, वो बेचारे सह नहीं पाएंगे बेटा। सच कहूँ तो उन्हें तो एसी रूम में सोने की आदत है। हटा, सेंटीमेंट से अपन को उल्लू बना रहा तू, थोपड़ा बदल दूंगा तेरी जात का। फिर मिलेंगे भाई। आइंदे अंदर आने के बाद मत करना। तेरी तो फूल दे रहा है, अपन के अंदर आने से तुम लोगों की कमाई है, अकल से पैदल है साला। यार मोदी, फिर कब आओगे? वहाँ बाहर अपन का दोस्त है।